हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यूस्यूब टेक इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष खिलोत आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स जावा एमसीक्यूज की सीरीज में आज मैं लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस ओके लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व किया था आज मैं ले आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी आपके सामने है एरे लिस्ट ठीक है एरे लिस्ट ओके कलेक्शन फ्रेमवर्क ओके और हमें ये कहा गया है कि फ्रेंड्स की वॉट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द एरे लिस्ट इनिशियल क्वांटिटी क्या होती है तो वो होती है फ्रेंड्स

एक एब क्लास हमने बनाई है और मेथड भी हमने बनाया है ठीक है आपको बताना है कि इसका आउटपुट बेसिकली क्या होगा नो एरर एरर कुछ नहीं है है फ्रेंड्स ठीक मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली ऑब्वियसली बात है कि मेथड को जो है प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली एक्स्ट्रा पैरामीटर्स तो जो मेथड है फ्रेंड्स उसको सही तरह से डिफाइन नहीं किया गया है ठीक है डिक्लेयरिंग uh, के कुछ रूल्स हैं क्लास को ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स के एब्सट्रेक्ट क्लास और एब्सट्रेक्ट जो हम इंटरफेस बनाएंगे उसके क्या रूल्स हैं आपको ध्यान में होना चाहिए ठीक है दीज आर द एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वट इज मीन बाय द क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट डेटा डिपेंडेंट ऑन ईच अदर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फ्रेंड्स ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है दे आर टाइटली कपल टू ईच अदर दे आर टाइटली कपल टू ईच अदर ठीक है अगर यहाँ पे लूज कपलिंग होती तो उसको हम कहते हैं कोहेजन ठीक है बेसिकली लूज कपलिंग ठीक है और टाइट कपलिंग कोहेजन ठीक है ये क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट है फ्रेंड्स एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए ये कहा जाता है कि जो कपलिंग जो होनी चाहिए फ्रेंड्स कपलिंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए लूज होनी चाहिए और जो कोहेजन का जो कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए हाईली कोहेजन ठीक है हाईली कोहेल्ड होना चाहिए और कपलिंग कैसी होनी चाहिए लूज होनी चाहिए ये एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है अगर ये दो रिक्वायरमेंट पूरी हो तो तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर दैट मींस दे आर हाईली और टाइटली कपल टू ईच अदर ठीक है फिफ्टी का आंसर क्या हो जाएगा ए ठीक है

अब ये बेसिकली वाई है क्या इसका कोई सेंस वाली बात नहीं है यहाँ पर ठीक है तो क्योंकि ये वाई को हमने डिफाइन ही नहीं किया है यहाँ पर ठीक है तो वाई को जब डिफाइन नहीं किया है टोटली मीनिंग आंसर कुछ भी नहीं आएगा यहां पर ठीक है कैन नॉट बी रिजोल्ट अ वेरिएबल ठीक है आपने जो वाई को डिफाइन कर रखा है उसका कोई भी इनिशलाइजेशन नहीं किया गया है विदाउट एनी वैल्यू ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा एरर अनिजॉल्ड